आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सी लैंग्वेज का चैप्टर 6, जिसमें हम सीखेंगे सी के वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम में, ये सब सीखेंगे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एन एंटिटी दैट मे वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ऐसी एंटिटी जिसे हम वेरी कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल नेम्स आर गिवन टू इन लोकेशन ऑफ मेमोरी, मतलब जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं वो स्टोर होते हैं मेमोरी लोकेशन में। दिस लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। ऐसे लोकेशन जहाँ पे अपने वेरिएबल को स्टोर करते हैं वो कंटेन करते हैं इंटीजर को, इंटीजर वैल्यू, रियल वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम को लिखने के कुछ रूल्स हैं। अ वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल्स नेम होते हैं हम उन्हें लिख सकते हैं बिटवीन 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स के बीच के कलेक्शन, जैसे कोई वर्ड्स को लिख सकते हैं या फिर कोई डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर। इन सब का यूज़ करके ही हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। डू नॉट क्रिएट अननेसेसरली लॉन्ग वेरिएबल नेम्स एज इट एड्स टू योर टाइपिंग एफर्ट। ज़्यादा लंबा वेरिएबल लिखने से हमें ही प्रॉब्लम होगी, हमें बहुत टाइम लगेगा वेरिएबल लिखने के लिए में, इसलिए हम ये प्रेफर करेंगे कि हम शॉर्ट नेम के ही वेरिएबल्स यूज़ करें। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और स्कोर। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या फिर अल्फ़ाबेट होगा या फिर उसकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से होगी। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। हम वेरिएबल्स जब डिक्लेयर करेंगे, जैसे अगर वो दो वर्ड्स के हैं तो उसमें कॉमा या फिर स्पेस, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है, उसके जगह पे हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल। यहाँ पे इसका एग्जांपल ऐसे लिखा है इंट si अंडरस्कोर इंट। si और इंट के बीच में स्पेस था, लेकिन स्पेस हमें देना नहीं है इसलिए हमने अंडरस्कोर लिखा है। और यहाँ पे इंट हमने लिखा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अभी मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया है, आगे की प्रोग्रामिंग में हमें जहाँ भी इसका यूज़ करना होगा हम इसके अलग अलग वैल्यूज़ देके यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फ्लोट m और hra, m और hra के बीच में स्पेस रहा होगा लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है अंडरस्कोर। इसी तरीके से अपने वेरिएबल्स के यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।